गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शेखर म्यूज़िक विद गार्डन। हर बार की तरह रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके ज़रिए मेरे चैनल में आने वाले कोई वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है मेरा, जो रोज़ का प्लांट है, मेरा तीन रोज प्लांट में तीन डिफरेंट पॉटिंग मीडिया में लगाया हूँ, तो उसके बारे में बताऊँगा और दिखाऊँगा कौन सा प्लांट ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है। ये देखिए मेरा एक रोज़ का प्लांट है, कितना सुंदर, देखिए कितना कली आया है। देखिए ये जो मैं मीडिया में यूज कर किया हूँ, तो पहले बता देता हूँ, ये मैं जो यूज किया हूँ ज़्यादा, मतलब 50% 60% सिंडर यूज किया हूँ, जिसके अंदर मैं थोड़ा कोकोपीट डाल दिया हूँ, थोड़ा मतलब 10%, और वर्मी कंपोस्ट में 30% डाला हूँ, ये सब मिला के मिक्सचर रेडी किया हूँ। और ये दूसरा जो ऑरेंज वाला आप देख रहे हैं, इसमें मैं सिर्फ मिट्टी, थोड़ा राइस हस्क और काउडंग, ये सब, ये तीन मिला के मैं इसको रेडी किया हूँ। और ये जो तीसरा देख रहे हैं, छोटा सा फूल हुआ है रेड कलर का, इसमें जो हुआ है ये पूरा राइस हस्क और वर्मी कंपोस्ट मिला के मैं लगाया हूँ। ये अभी थोड़ा ग्रोथ में आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा जो ग्रोथ में आया वो सिंडर में आ रहा है। सिंडर में देखिए कितने सारा कली, 1 2 3 4 5 6 7 7 कली है। देखिए पांच, ये देखिए 5 6 7 सात कली आ चुका है एक ही प्लांट में, और ये येलो कलर का है। और इसमें दिखा देता हूँ मैं आपके पास, थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये भी जो मैं लगाया हूँ मिट्टी में, ये भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। देखिए पास में दिखा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है प्लांट में, वो अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और फ्लावरिंग भी आने वाला है। जब फ्लावरिंग आ जाएगा मैं आपको दिखा दूँगा। और ये जो है ये अभी ग्रोथ हो रहा है। जब प्लांट इतना छोटा है उस पर फूल आप मत लीजिएगा, उसको कली कली को निकाल दीजिएगा। इसको आप निकाल देंगे तो प्लांट का ग्रोथ हो जाएगा अच्छे से, और प्लांट अच्छे से घना हो जाएगा, और प्लांट इतना मतलब स्टेबल हो जाएगा सब फ्लावर को रखने के लिए। तो जब पहले प्लांट को अच्छे से बढ़ने दे, उसके बाद कली जब आएगा आप इसको कर सकते हैं। रोज़ के लिए जो ज़रूरी बात है मैं आपको बता देता हूँ। रोज़ के लिए आप अभी इसको धूप ज़्यादा हो रहा है, समर स्टार्ट होने वाला है, तो इसको थोड़ा धूप से थोड़ा बचा के रखिए, और पानी देख के दीजिएगा। और सिंडर में तो आपको दिन में एक बार दो बार पानी देना पड़ता है, क्योंकि सिंडर बहुत जल्दी सूख जाता है और बहुत अच्छा पॉटिंग मीडिया होता है, ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा होता है, तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इसको जो मैं उस फर्टिलाइजर में दे रहा हूँ, मैं मार्केट से एक रोज़ फर्टिलाइजर जो होता है, रोज़ फूड नाम का, उनको लाके मैं दे रहा था, मतलब हर 15 दिन में एक बार 2 चम्मच के हिसाब से। ये आपका रेडीमेड बना के पैकेट बना के रखते हैं, तो इसको मैं देता हूँ, क्योंकि हम अगर ज़्यादा और कम कर देंगे ये केमिकल फर्टिलाइज़र तो प्लांट पे इफ़ेक्ट होगा। तो मार्केट में जो मिलता है वो अच्छे से, वो उसको क्वांटिटी ठीक से मिला के रेडी करके रखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अभी ये जो मेरा रोज़ का प्लांट है, 2 महीना है, 2 महीने का है, जब लाया था ये जो प्लांट वाला इतना छोटा था। अब देखिए इतनी ब्रांचेस आके कितने सारा कली आया, देखिए, और फ्लावर भी ऑरेंज कलर का फ्लावर देखिए खिला है। ये छोटा वाला वेराइटी है और ज़्यादा ज़्यादा खिलेगा। ये आपका जो है एक ब्रांच में जितना नया ब्रांच निकलेगा उतना अच्छे से, उतना ज़्यादा अब आपका फ्लावर होगा। देखिए कितने सारा कलिया है। और इसको डायरेक्ट सन में रखिए, लेकिन
दिन का 5 या 6 घंटा धूप दीजिए, ज़्यादा देंगे तो आपका प्लांट गर्मी में मर जाएगा। समर में कोशिश कीजिएगा इसको शेडी एरिया में रखिए, जहाँ पे डायरेक्ट सन ना पड़े। 6-4 घंटे के सन आप डायरेक्ट दीजिए, और सब टाइम में आप इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखिए, जहाँ पे मतलब लाइट आता हो लेकिन डायरेक्ट लाइट ना हो, ना आता हो। ये तो आपका ग्रोथ हो रहा है इस, यहाँ पे मैं 4-5 कली निकला था, मैं उसको पिंचिंग कर दिया था, तो ये देखिए इतने सारा बेंचेस निकला है, और यहाँ पे देखिए एक साथ 3 कली निकला है। तो इस तरह से प्लांट को ग्रोथ अच्छे से करने दीजिए, उसके बाद फूल लेने के लिए आप इसको रेडी कीजिएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 3 मीडिया के मैंने बारे में बता चुका हूँ, तीनों मीडिया में अच्छे से ग्रोथ कर रहा है रोज़, लेकिन ये जो सिंडर वाला मीडिया है वो अच्छे से, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। आप चाहें तो सिर्फ सिंडर में यूज, सिंडर और बर्मी कंपोस्ट में इसको मिला के आप प्लांट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी समर आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा इसमें कोकोपीट मिला दिया हूँ, तो इसके ज़रिए थोड़ा इसका जो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा, कोकोपीट के ज़रिए इसका मॉइस्चर मेंटेन रहेगा। तो मेरे ख्याल से सिंडर वाला जो पॉटिंग सॉइल है वो बहुत सबसे अच्छा है, और उसके बाद अगर आप मिट्टी वाला यूज़ करेंगे तो पानी देख के दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे मिट्टी में, ज़्यादा पानी आपका जो है वो जल्दी सूखता नहीं है। और हमेशा यूज़ कीजिएगा मिट्टी वाला गमला, और उसके लिए मैं जगह नहीं था तो प्लास्टिक यूज कर लें, लेकिन दो ये देखिए मिट्टी में मैं यूज किया हूँ। मिट्टी वाला गमला में एयर सर्कुलेशन हो सकता है और प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है, लेकिन प्लास्टिक में जो होता है, गर्मी का टाइम आ चुका है, आ जाएगा थोड़ी देर में, और आपका जो गमला है वो ज़्यादा हीट होने के कारण आपका जो प्लांट का जो जड़ है वो भी गर्म हो जाएगा, तो प्लांट मरने का बहुत ही चांस होता है। तो इस तरह से केयर लीजिए रोज़ का। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, इसके ज़रिए मेरे चैनल में आने वाले कोई वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।